walk all over you. एडम यस्चो जो ब्रूस बैनर की तरह ही बहुत इंटेलिजेंट था और ब्रूस बैनर का बहुत करीबी भी, जो कहीं भी हल्क को एक मॉन्स्टर नहीं मानता था और वो खुद भी एक हल्क बन गया जब वो द इनक्रेडिबल हल्क यानी ब्रूस बैनर के बॉडी के अंदर से उसके एक्सेसिव गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया उसकी बनाई गई एक डिवाइस की मदद से, और तब से वो बना द टोटली ऑसम हल्क। ऑसम इसलिए क्योंकि एमेडियस चो जब हल्क बनता है तब उसका बॉडी तो हल्क बनता है लेकिन माइंड एडमियस चो का ही रहता है, और वो जब चाहे हल्क बन सकता है। इसके लिए उसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठंडे कूल मूड में भी हल्क बन सकता है, और हल्क बनने के बाद भी वो कूली लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी कर सकता है। और बाद में एडमियस चो को ये भी पता चला कि उसके कूल माइंड के अंदर वो गुस्सेल सैवेज हल्क भी है। एक्चुअली उसके माइंड के अंदर भी दो पर्सनैलिटीज है। नॉर्मल तो उसके माइंड के अंदर उसके गाड़ी की स्टीयरिंग एडमियस चो के हाथ में ही रहती है, मतलब द ऑसम हल्क के बॉडी को यहाँ पे गाड़ी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब गड्डी की स्टीयरिंग जिसके हाथ में, बॉडी उसके कंट्रोल में। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी गड्डी के पीछे वाले डिक्की में उसका सैवेज हल्क वाला माइंड कैद है। और ब्रूस बैनर की तरह जब टोटली ऑसम हल्क को भी गुस्सा आता है तब उस डिक्की में फंसा हुआ हल्क एडमियस चो को हटा के उसके गाड़ी का स्टीयरिंग छीन लेता है और वो बन जाता है वही खतरनाक गुस्सेल हल्क। और जिसे माना जा रहा है कि ये वाला हल्क हमारे द इनक्रेडिबल हल्क यानी ब्रूस बैनर वाले हल्क से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये आसानी से बाहर नहीं आ पाता क्योंकि ज्यादातर वक्त जीत एडमियस चो की होती है और वो हमेशा द कूल टोटली ऑसम हल्क बन के रहता है। लेकिन अभी हालात थोड़ा बिगड़ चुका है, हल्क के ऊपर से एडमियस चो का कंट्रोल धीरे धीरे खो रहा है और एडमियस चो को इस बात का बहुत ही ज्यादा डर है, और इसलिए वो अपने आप को स्पेस में एक सैटेलाइट में लेके जाता है वहाँ पे कुछ टेस्ट करने के लिए। और अब आगे लेकिन टेस्ट चलते वक्त ही अचानक से एडमियस चो को एक सिग्नल आता है जिस सिग्नल में एक मैसेज था, और उस मैसेज में बार बार एडमियस चो को ये कहा जा रहा था कि हल्क तुम कहाँ हो, हमें तुम्हारी जरूरत है हल्क, अब वक्त आ गया है तुम्हारे वापस आने का, हम सभी को तुम्हारी जरूरत है हल्क, सकार प्लेनेट को हरे दानव की जरूरत है, सकार को तुम्हारी जरूरत है हल्क, वापस आओ। और ये सब सुन के एडमियस चो को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये सब सुन के उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है और उसे जानना था कि सकार क्या है और वो सब हल्क को क्यों पुकार रहे हैं। और एडमियस चो एक स्पेसशिप में वहाँ से निकल जाता है और उस सिग्नल को फॉलो करके वो एक वर्म होल के पास पहुँच जाता है, लेकिन उस वर्म होल के तनाव की वजह से स्पेसशिप और एडमियस चो के बॉडी को खतरा था, इसलिए वो तुरंत द टोटल ऑसम हल्क में बदल जाता है। और इस तरफ से उस होल में घुसते ही दूसरी तरफ से उसकी स्पेसशिप एक अनजान प्लेनेट में जाकर क्रैश करती है और उसके शिप के उड़ जाते हैं, और हल्क अपने आप को संभाल के उठ ही रहा था कि तभी उसके छाती में एक डार्ट आके लगती है और वो सामने देखता है उसी प्लेनेट के बहुत सारे अनजान क्रिएचर्स को, और उन सभी के आगे एक औरत खड़ी थी, और वो एडमियस को कहती है कि ये डार्ट तुमको इसलिए मारा गया है जिससे कि तुम हम लोगों के लैंग्वेज को समझ पाओ, हमारे साथ बातचीत कर पाओ। और वो आगे कहती है कि मेरा नाम है मायरा, मैं एक साका प्रिस्टेस हूँ और ये हम लोगों का क्लैन है, और यहाँ पे साकार प्लेनेट पे आपका दोबारा स्वागत है ग्रीन स्कार, आपने हम लोगों को आजादी दी, हमें गुलामी करने से बचाया, रेड किंग को हरा के हमें उसके अत्याचार से छुटकारा दिलवाया, हम सभी को एकजुट किया। और ये सब सुन के हल्क तुरंत कहता कि वेट रुको, एक्चुअली वो मैं नहीं था, तुम लोग गलत सोच रहे हो। और तभी क्लैन के बाकी लोग हंसते हुए कहते हैं कि मजाक मत कीजिए ग्रीन स्कार, हम लोगों ने हल्क को ही बुलाया था, और आप बड़े हो, हरे हो और बहुत ज्यादा ताकतवर हो, अगर आप हल्क नहीं होते तो इतने बुरी तरीके से क्रैश करने के बाद बचते थोड़ी। और तभी उनमें से एक आदमी आ गया कि हल्क से पूछता है कि क्या तुम सच में हल्क हो, और एडमियस चो कहता है कि हाँ हल्क तो मैं हूँ, और तभी वो आदमी कहता है अच्छी बात है, मैं हूँ हेडमैन बैंग और मेरी जिम्मेदारी है आखिर तक इस क्लैन को प्रोटेक्ट करना, कह सकते हो मेरे शपथ के अनुसार मैं इस क्लैन का रक्षक हूँ, लेकिन अब मेरे क्लैन के ऊपर सबसे बड़ा खतरा आ चुका है क्योंकि अब मेरे क्लैन का बारी है गॉन्टलेट में जाने का,
और तभी हल्क पूछता है गॉन्टलेट वो क्या है, और तभी हल्क चारों तरफ देखता है कि उन सबको घेर के रखे थे कुछ हाईटेक व्हीकल्स जिनके ऊपर थे कुछ खतरनाक पागल लोग। और हेडमैन कहता है कि इन सभी ने हम लोग को ढूंढ लिया है, हम सभी को घेर लिया है। और तभी हल्क पूछता है कि कौन है ये लोग, और हेडमैन कहता है कि ये लोग उन हजारों क्लैंस के सोल्जर्स है, किलर्स है, जिनका भी एक वक्त हमारी तरह एक क्लैन हुआ करता था, लेकिन वो लोग हार गए और तब से वो लोग उसकी गुलामी करते हैं, उसके आर्मी के सोल्जर्स है जिसका नाम है वारलॉर्ड। और अब उन लोगों ने हम लोग को भी पकड़ लिया है, और अगर हम लोग हमारे क्लैन को बचाना है तो हम लोगों को भी एक चैंपियन प्रोवाइड करना पड़ेगा इनके गॉन्टलेट में इनके चैंपियन से लड़ने के लिए। और वो हल्क को कहता है कि पिछली बार तुम आए थे और हम सभी को रेड किंग के आतंक से बचाया था और हम सभी को एकजुट किया, लेकिन उसके बाद तुम चले गए और इसके बाद बहुत शैतान लोगों ने कोशिश की रेड किंग की जगह लेने की, उस सिंहासन में बैठ के सरकार पे राज करने की, सभी के ऊपर अपना आतंक फैलाने की, और अब उस जगह पे वारलॉर्ड है और उन सभी को रेत के चूहों की तरह ढूंढ के निकालता है और उनको अपने क्लैन में से एक चैंपियन प्रोवाइड करना पड़ता है जो वारलॉर्ड के गॉन्टलेट में लड़ेगा, और अगर वो चैंपियन बच गया तो उस क्लैन को आजाद कर दिया जाएगा और आखिरकार उन क्लैंस को खाना और फ्यूल मिलेगा, और अगर वो चैंपियन हार गया तो उस क्लैन को लूट लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और उनको गुलाम बना दिया जाएगा। और तभी उन किलर्स में से एक किलर एक व्हीकल लेके उनके पास आकर उनको चिढ़ाता है और कहता है कि तुम लोग तैयार तो हो ना, क्योंकि अगली बारी तुम लोगों की है। और वो उन सभी को लूजर्स कहता है और हल्क को भी चिढ़ाता है कि ये तुम्हारा चैंपियन या फिर ये अभी राजी नहीं हुआ है, कहीं डरा हुआ तो नहीं है, क्या हुआ हरे बच्चे, लड़ेगा ना? लेकिन हल्क कोई जवाब नहीं देता और लोग वहां से चले जाते हैं। और एक घंटे बाद हम लोग देखते हैं कि सब कुछ सुन के हल्क राजी हो गया था और उसने डिसाइड किया था कि वो इन लोगों को बचाएगा, और लोग हल्क के लिए सही हथियार और कवच बना रहे थे। और हल्क उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों को ये सब मिला कहाँ से, और लोग कहते हैं कि ये सब उन लोगों के है जो लोग इसके पहले मर चुके हैं। और उनमें से एक आदमी हल्क को एक हेलमेट दिखा कर कहता है कि हेलमेट मेरे पापा का था। और ये सब सुनकर और इन सभी का हालत देख के द टोटली असम हल्क थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। और अब शाम हो गई थी और उन लोगों की प्रिस्टेस मायरा इन सब के लिए प्रे कर रही थी, और वो कहती है कि इतने ऊपर से गिरने के वजह से हल्क को जरूर चोट लगी होगी, और इस सब के लिए मायरा अपने लॉर्ड से माफी मांगती है और कहती है कि हम तक हमारे वॉल ब्रेकर को पहुंचाने के लिए शुक्रिया माय लॉर्ड, हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग जीत पाए। और तभी एडमियस जो मायरा के पास आता है और कहता है कि मायरा सुनो मेरी बात, मुझे पता नहीं कि इन सब का मतलब क्या है, लेकिन मैं वो वर्ल्ड ब्रेकर नहीं हूँ। और मायरा कहती है कि तुम्हें बनना पड़ेगा वरना हम सब मारे जाएंगे, यू हैव टू ब्रेक द वर्ल्ड, और ये बहुत जरूरी है, सिर्फ कोशिश करना कि जब तुम ये सब करो, जब तुम वर्ल्ड ब्रेकर बनो, तब तुम हम लोगों को ना मार दो। और तभी वहाँ पे हेडमैन वैंग आता है बहुत सारा खाना लेके और हल्क को पुकारता है और कहता है कि हम लोगों ने हमारा आखिरी खाना लेके आए हैं। और हल्क कहता है कि आखिरी खाना, और तभी हेडमैन वैंग कहता है कि मेरा मतलब गॉन्टलेट लड़ने के पहले आखिरी खाना, अब खा लीजिए। और वैंग सारा खाना हल्क को दे देता है और हल्क कहता है कि मुझे लेके तुम लोग का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही है। लेकिन खाने के पहले हल्क की नजर पड़ती है उन सारे भूखे बच्चों की तरफ जो लोग चुपचाप इनोसेंटली हल्क को दी हुई खाने की तरफ देख रहे थे, और हल्क उन लोगों को अपना खाने का कटोरा देके कहता है कि तुम लोग खाओ। और तभी वैंग कहता है कि हल्क तुम्हें लड़ाई के पहले अच्छे से खाना जरूरी है, तुम्हें गॉन्टलेट के पहले खाने की जरूरत है। और तभी द टोटली असम हल्क कहता है कि नहीं तुम लोग खाओ, और तुम भी वैंग, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। और उस तरफ हम देखते हैं वारलॉर्ड के किले को जहाँ पे वारलॉर्ड का एक आर्मी एक गुलाम को मार रहा था और कह रहा था कि क्या कहा तूने, तुझे खाना खाना है, मरना चाहता है क्या? और वो गुलाम डर के कहता है कि मुझे माफ कर दो मालिक, गलती हो गई मालिक, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन वो लोग उसे नहीं छोड़ते, उसे गॉन्टलेट में उतार देते हैं मरने के लिए। और वहाँ पे मौजूद वो सारे लोग वारलॉर्ड को चीयर करते हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक ही लॉर्ड है, यहाँ पे प्यार जस्टिस की कोई जगह नहीं, अगर बचना है तो लड़ना है। और तभी हम देखते हैं पहली बार वारलॉर्ड को अपने थ्रोन में बैठे हुए और लोग चीयर करके चीखते हैं कि ये है हमारे वर्ल्ड ब्रेकर, हमारे महान वारलॉर्ड। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि हल्क तैयार हो गया था लड़ाई के लिए, और हल्क और उसके क्लैन को गॉन्टलेट में ले जाया जाता है। लेकिन गॉन्टलेट को शुरू करने के पहले वहाँ पे तीन मासूम लोगों की बलि दिया जाता है, वारलॉर्ड उन तीनों का गला काट देता है और देख के हल्क चौंक जाता है। और हल्क को चौंकते देख वारलॉर्ड को हल्क के काबिलियत पे थोड़ा सा शक होता है और पूछता है क्यों,
चौंक गए। लगता है सोच ज्यादा जमेगा नहीं, तुम कुछ ही पल के मेहमान रहोगे। और वॉरलॉर्ड आदेश देता है कि गॉन्टलेट शुरू किया जाए, और तभी गॉन्टलेट को चालू किया जाता है और दो तीन वॉरियर्स निकल के द टोटली ऑसम हल्क के ऊपर हमला कर देते हैं। और हल्क उन सभी से लड़ रहा था, लेकिन वो सब मिल के हल्क के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहे थे, क्योंकि द टोटली ऑसम हल्क अपने आप को रोक रहा था, अपने आप को रेज होने से रोक रहा था, और यही द टोटली ऑसम हल्क की खासियत है। लेकिन तभी अचानक से हुए एक और हमले से हल्क अपना आपा खो देता है, और हम देखते हैं कि उसके माइंड बैटर में जो स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ था और चीख रहा था कि नहीं। और तभी पीछे से एक आवाज आती है, सर अब जो अब मेरी बारी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम्हें डिक्की में ही होना चाहिए, वापस जाओ डिक्की में। ओ सर अब जो लोग मर सकते हैं और तू अपने आप को रोक रहा है, तेरी जगह अगर बैनर होता तो क्या वो ऐसा करता। नहीं, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, तुम वापस जाओ जहाँ से आए थे, तुम डिक्की में वापस जाओ। ओ सर नहीं। और हम देखते हैं कि हल्क एडमियस चो को गाड़ी से बाहर फेंक देता है, और अब स्टीयरिंग हल्क के हाथों में थी।